नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने ही यूट्यूब चैनल करमीर में। पिछले वीडियो में हमने DLS-02 पेपर है उसके फर्स्ट सेकंड पेपर हल कर दिए थे और आज हम उसका जो थर्ड पेपर है वो हल करने जा रहे हैं। बहुत सारे विद्यार्थी ये पूछते हैं परीक्षा में कैसा पेपर आता, कितने शब्दों में लिखना होता है, वो सारा पिछले वीडियो में आपको क्लियर हो चुका होगा। और अब आपको ये वीडियो देखने से पहले आप जो बेसिक से सारी वो आपको पहले सीख लेनी चाहिए, क्योंकि आप जब पेपर हल करने बैठते हैं तो आपको पूरी वो चीज़ें आनी चाहिए, तभी आपकी ये चीज़ें समझ में आएगी। तो यदि आपने इस वीडियो को देखने से पहले बेसिक चीज़ें नहीं सीखी तो आप पहले वो देख लें तो आपको अच्छी तरह समझ में भी आएगी। जब भी पेपर हमारे हाथ में आता है तो उसमें आपको मैं बता दूँ, ये 3 घंटे का पेपर होता है, 100 मार्क्स का ये होता है। इसमें जो पेपर है वो आपके 2 खंड में अ और ब में होता है और इसके जो आंसर है इसी प्रश्न पत्र के अंदर ही देने होते हैं और वही विद्यार्थी को पेपर नहीं मिलता है। और इस रफ वर्क के लिए आपको लास्ट में अंत में पेज दिया होता है, वहाँ रफ वर्क कर सकते हैं। और ये 2 भागों में विभाजित है, पहला अ खंड जो कॉलन क्लासिफिकेशन यानी द्विबिंदु वर्गीकरण और ब सेक्शन होता है जो दशमलव वर्गीकरण यानी ड्यू डेसिमल क्लासिफिकेशन के सवाल होते हैं। और इसके लिए आपको जो द्विबिंदु वर्गीकरण है उसका जो 6ठा संस्करण और जो DDC है उसका 19वां संस्करण प्रयोगार्थ उपलब्ध है, यानी कि ये चीज़ें ये जो बुक्स है इसकी सहायता से ही आप ये वर्गांक बनाएंगे, ये एग्जाम हॉल में आपको मिलेगी। तो कुछ इसके लिए कुछ रीजनल सेंटर पर जो DDC बुक है वो सभी रीजनल सेंटर पर आपको प्रोवाइड करा दी जाती है, और जो कॉलन बुक है तो कुछ रीजनल सेंटर पर ये पर्याप्त मात्रा में है तो रीजनल सेंटर की तरफ से आपको वो प्रोवाइड करा दी जाती है, और कुछ रीजनल सेंटर पर ये कॉलन क्लासिफिकेशन पर्याप्त मात्रा में नहीं है तो वहाँ पर शिविर के अंदर ही विद्यार्थी को सलाह दी जाती है कि विद्यार्थी स्वयं कॉलन क्लासिफिकेशन लेकर आए। ये आपको शिविर के अंदर ही बता दिया जाता है और मुझे ये बताने की आवश्यकता नहीं है कि किस रीजनल सेंटर पर ये किताब लानी पड़ती है, किस पे विद्यार्थी को लानी पड़ती है, किस पे नहीं, ये शिविर के अंदर ही आपको बता दिया जाता है। चलिए शुरू करते हैं सेक्शन खंड कॉलन क्लासिफिकेशन के कुछ सवाल से। ये जो सवाल है ये पहला, इसमें 7 में से कोई 2 करने हैं और ये पूरे जो सॉरी 7 में से कोई 5 करने हैं, 1 प्रश्न 2 अंक का, टोटल आपको 10 अंक मिलेंगे। चलिए पहला जो सवाल है ये सवाल है बिब्लियोग्राफी ऑफ थीसिस। तो बिब्लियोग्राफी जो चैप्टर है, अब आप मैं आपको कॉलन बुक की PDF की सहायता से मैं आपको समझाऊंगा। सबसे पहले आप इसका जो 2.4 पेज नंबर उसमें आप जाएंगे और वहां से आप जो मेन क्लास में पता लगा लेंगे कि इसका जो बिब्लियोग्राफी का जो वर्गांक है वो क्या है। अब यहां से आप देख रहे हैं ये A बराबर बिब्लियोग्राफी। अब ये जो बिब्लियोग्राफी का जो मूल चैप्टर है आप उसमें चले जाएंगे, बिब्लियोग्राफी में आप चले जाएंगे तो ये जो मूल क्लास का है, उसके बाद P के रूप में ये जो मैन्युस्क्रिप्ट है, साउंड बुक है, हमें चाहिए थीसिस चाहिए। तो आप इसमें थोड़ा नीचे आएंगे तो आप यहाँ से ये देख रहे हैं थीसिस 494, तो A 494 हो जाएगा इसका वर्गांक, A 494 ये आपके स्मॉल रहेगा, ये ऑटो कैपिटल हो गया है, ये होगा। अगला है कॉमर्स लाइब्रेरी, ये लाइब्रेरी साइंस का ये बिब्लियोग्राफी जो के बाद ही जस्ट अगला जो चैप्टर है आपके लाइब्रेरी साइंस का है, इसमें आप कॉमर्स का जो ये देखेंगे, इसका जो मूल जो मेन क्लास है 2 है आपके P के रूप में, आपको यहाँ ये वर्ल्ड लाइब्रेरी, डिवीजन लाइब्रेरी, स्टेट लाइब्रेरी, इस तरीके से आपको थोड़ा नीचे जाएंगे तो आपकी कॉमर्स लाइब्रेरी के कितने हैं 45 है, तो आगे 2 जुड़ जाएगा लाइब्रेरी साइंस का और फिर 45 यानी 245 हो जाएंगे, 245 ये होगी। अब और भी अन्य अन्य जो महत्वपूर्ण चीज़ें इसमें आती है, जैसे आप कॉलेज लाइब्रेरी देख तो 233, यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी 234, रिसर्च लाइब्रेरी 236, अकेडमिक लाइब्रेरी 23, सिर्फ 2 और ये 3, इस तरह से और भी ये चीज़ें ये आ जाती है, इंपॉर्टेंट में चीज आपको ये बता रहा हूँ। अगला अलजेब्रा, अलजेब्रा आपको पता है किस विषय का अंदर आता है, ये गणित के अंदर आता है। तो आप जब लाइब्रेरी साइंस चैप्टर है 2.5 में भी आप देख सकते हैं, और उसमें भी लाइब्रेरी साइंस के बाद ही मैथ्स है, ये देख रहे हैं लाइब्रेरी साइंस, और ये भी उसके बाद है मैथामेटिक्स। आप इसके मैथामेटिक्स के जो मूल चैप्टर है उसमें आप जाएंगे।
ये थोड़ा प्रोसेस ले तब तो मैं बता रहा हूँ। ये स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग इसके भी मैं बता देता हूँ, ये तब जब तक ये पीडीएफ सही हो जाए तब तक मैं आपको ये सारी चीज़ें धीरे धीरे क्लिक। स्पाइनिंग ऑफ ये यार्न है, कई बार तकनीक भी कुछ साथ नहीं देती है। अलजेब्रा का लगभग बी टू होगा, बी टू के बाद कुछ होगा जो आपके बुक का है। और स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग का आपके डी कोड है, और उसी तरीके से फिजियोलॉजी ऑफ सेल्स, तो सेल्स ये जीव विज्ञान का ये जी है, उसमें जी में आप हम जाएंगे। स्पाइनिंग ऑफ मैथमेटिक्स में आप जाएंगे, एलजेब्रा का बी टू ही है, ठीक है, सबसे ऊपर यहाँ दिया हुआ है। और अब इंजीनियरिंग में जाएंगे, इंजीनियरिंग का आप जो आपको कोड नहीं पता है तो आप इसके जो मेन क्लास है उसमें आप चले जाइए। मेन क्लास में थोड़ा नीचे जाएंगे, आप देखेंगे इंजीनियरिंग का डी है। अब इंजीनियरिंग के मूल चैप्टर आगे उसमें आप चले जाएंगे, तो इसमें आपको क्या चाहिए था, स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग, ठीक है, हम इसमें देख लेंगे। ये वन है, यहाँ से आपको काफ़ी लंबा देखना पड़ रहा है, तो आप सबसे पीछे जो डिक्शनरी है उसमें भी आप ढूंढ सकते हैं, तो आपको जल्दी मिल जाएगा अल्फाबेटिकली। आपको सबसे पीछे डिक्शनरी है उसमें भी आप ढूंढ सकते हो। में स्ट्रक्चरल नहीं है, चलो वापस के जो मूल चैप्टर्स में जाते हैं। एक एक पेज करके आपको देखना पड़ेगा। Thank you.
ये मिल गया आपके स्ट्रक्चरल की 11 है। तो मूल आपके हो गया डी, और ये एनर्जी पार्ट में ये सबका ही सेम है, तो डी कोलन 11। ये डी और कोलन 11 स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग पार्ट में है। अब फिजियोलॉजी ऑफ सेल्स, तो बायोलॉजी के पार्ट में हम चले जाएंगे। सेल का मिल गया हमें 11। अब ये फिजियोलॉजी का हमें चाहिए, इसी में थोड़ा आगे मिल जाएगा। फिजियोलॉजी का जो एनर्जी पार्ट में है, ये एनर्जी पार्ट में 3 है, तो एनर्जी पार्ट 3। स्पाइनिंग ऑफ कॉटन यार्न, अब सबसे पहले आप इसके मूल चैप्टर में चले जाइए कि ये जो किस में मिलेगा, ये कला का है, मानवीय कलम का है। इसमें आप सबसे नीचे यूजफुल आर्ट है एम वाला, इसी में आपको ये मिलेगा। तो आप इसके मूल चैप्टर में आप आगे चले जाइए। मूल इसका चैप्टर ये है, लेकिन इसमें एक चीज और आपको मैं बता दूं कि इसमें कुछ चीजें चेंज हो चुकी है, तो वो भी मैं आपको ये बता दूं। जैसे M7 से लेकर लास्ट तक है, वो आपको यहाँ से जो 29 नंबर पेज है शुरुआत में बुक का, ये पेज नंबर 29 है, वहां पर आपको ये मिल जाएगी। मैं आपको पेज नंबर भी बता दूंगा। ये 2.88 भी जो चीजें थी उसको पेज नंबर मैं थोड़ा नीचे जाके आपको मैं बता देता हूँ। पहले ये पेज नंबर 27 पे है, ये पेज नंबर 2.96 है, उसकी कॉलम नंबर लास्ट 3 लाइन ये अलग दे रखा है। ऊपर भी आपको यहाँ पर ऊपर वाला आप पढ़े, ये मानवीय पार्ट की जो चीजें हैं वो यहाँ से ले लीजिए। अभी यहाँ से देख सकते हैं M3 से एंड तक हम वापस 2.88 पे चले जाते हैं, फिर वापस यहाँ हम आएंगे। यानी कि M3 से लेना है आपको, ये M3 से लेकर जो लास्ट तक है वो सारी चीजें बदल दी गई है। ये आपको ध्यान रखना है, एग्जाम हॉल में भी यहाँ पर आप किताब में से निशान लगा सकते हैं जो लास्ट कॉलम तक है, यहाँ तक ये 2.8 वाली, यानी ये M98 तक, ऊपर M3 से 98 तक की जो सारी चीजें ये चेंज हो गई है, तो इसके आप विशेष ध्यान रखिएगा। अब इसका हमें जो वर्गांक बनाना क्या था उसको हम देखते हैं। स्पाइनिंग ऑफ कॉटन यार्न, तो अब इसमें ये एम या 7 में आपको मिलेगा। इसमें दो तरीके से है, एक एक जिसमें पी होता है, एक जिसमें पी नहीं होता है। तो ये M7 फिर यार्न है, तो M71 हो जाएगा आपके M71। उसके बाद स्पाइनिंग एनर्जी पार्ट में है इसके, तो स्पाइनिंग का 1 है, तो हम यहाँ पर 1 कर देंगे, कोलन 1। अगला है उर्दू ग्रामर। उर्दू ग्रामर के लिए जो लैंग्वेज के लिए आपका ओ है, और लिटरेचर के लिए जो ग्रामेटिकली या इस तरह की जो लिंग्विस्टिक संबंधित चीजें उसके लिए पी है, तो सबसे पहले हम पी लिखेंगे, और उसके बाद इसकी जो टेबल की सारणी है
आपको मैं जो पेज नंबर बता देता हूँ किताब के, जो इसमें मतलब 2.26 है या जो भी है। तो इसका M7(1:1) हो जाएगा, M7 यान के लिए 1 और स्पाइनिंग के लिए एनर्जी पार्ट वाला ये 1 हो जाएगा। इस तरीके से ये वर्गांक बनेगा। उर्दू ग्रामर के लिए आपको सबसे पहले पी लगाना, फिर इसके जो लैंग्वेज वाला जो सारणी है उसमें से आप जाएंगे और वहाँ से जो लैंग्वेज की जो कोड है वो आप ले लेंगे। इसमें उर्दू की जो लैंग्वेज है आपको यहाँ से कितनी है, 168, तो आप ये 168 ले लेंगे। अब आपको ये जो लिंग्विस्टिक का जो चैप्टर है वो के बाद उसमें आपको जाना है और ये ग्रामर के जो कोड है वो आपको लेने में, बता देता हूँ कि ग्रामर के कोड इसमें कौन से है। इसकी एनर्जी पार्ट में आपको मिलेंगे, ये आप देख रहे हैं, ये मॉर्फोलॉजी स्ट्रक्चर। अब इसमें सारे ग्रामर, जेंडर है, केस है, पर्सन है, टेंस है, ये सारे आपको पता है ग्रामर में आते। तो कोलन लगा के 2 लगाने आपको, कोलन ये 2, ठीक। तो कोलन लगा किसी भी पहले भाषा का कोड और फिर ये 2 लगाए तो वो उस लैंग्वेज की ग्रामर हो जाएगी। अगला सवाल है आपका इंडिया डिफेंस पॉलिसी, ये फॉरेन पॉलिसी या इनके लिए ये यूज होता है। तो इसके लिए आपको जो हिस्ट्री वाला पोर्शन है मैंने जो बूस्टर सीरीज में उसमें भी आपको ये बता दिया, V:VP:19 इस तरीके से होता है। उसका भी मैं आपको ये बता देता हूँ पेज नंबर आपके उसका, ये 28, 29, 30 पे है। ये आपके ये फॉरेन पॉलिसी के इसमें अलग अलग पॉलिसियाँ ये है, ये डिप्लोमेसी पॉलिसी है या ऑफेंस पॉलिसी है, ये पीस पॉलिसी है। पेज नंबर आपको मैं बता देता हूँ, यहाँ पर आपको ये मिलेगा, ये पेज नंबर 28 है। तो अभी इसमें ये देख रहे हैं FOCPI SSD मतलब सब्जेक्ट डिवाइस जो विषय विधि के द्वारा है। तो V के बाद उस देश का कोड, फिर कोलन, फिर 19, फिर उसके बाद ये इसमें से जो भी पूछ रहा है वो आपको लिखना है। तो इसमें हमें पूछा इंडिया डिफेंस पॉलिसी, सबसे पहले V लिखेंगे, फिर इंडिया के कोड 44 है, फिर कोलन 19। अब दूसरी उसके बाद जो भी पॉलिसी है वो आपके कोष्ट के अंदर आई, डिफेंस पॉलिसी है। तो डिफेंस पॉलिसी के इसमें कोड क्या है, डिफेंस के जेड छोटा पी बड़ा, तो स्मॉल जेड और पी बड़ा, ये हो गया इंडिया डिफेंस पॉलिसी। और अन्य किसी की भी अगर पॉलिसी होती तो वी उसके बाद देश का कोड और कोलन 19 उसके बाद जो कोष्टक में जो भी पूछता है, ये इस सारणी में आपकी जो भी बहुत सारी कोल्ड वार आता है, कभी न्यूट्रल आती है, पिछले ग्रुप में जिन्होंने नॉन अलाइनमेंट आया था, इस तरह की चीजें आती है। अगला है पॉपुलेशन ऑफ साउथ इंडिया, ठीक है, ये पॉपुलेशन आपको कहाँ मिलेगा। वैसे तो अब आपको पता चल गया कि पॉपुलेशन एक ज्योग्राफी में होता है, एक सोशोलॉजी में होता है। तो आप सोशोलॉजी में भी ढूंढ सकते हो, दूसरा डायरेक्ट आप पीछे डिक्शनरी उसमें भी आप ढूंढ सकते हो। तो मैं आपको डिक्शनरी में भी एक बार लेके चलता हूँ, वहां पर आपको पॉपुलेशन ढूंढना है। पॉपुलेशन ये भूगोल में भी है और इसमें सोशियोलॉजी दोनों में है, भूगोल में पी पार्ट में है और ये सोशियोलॉजी में Y:5 रूप में। अब आप कोई भी दो ले सकते, दोनों ही सही है, लेकिन हम ज्यादातर ये Y:5 ही लेते हैं। तो वो भी मैं आपको ये दिखा देता हूँ सोशियोलॉजी में, ये सोशियोलॉजी। अब इसी की एनर्जी पार्ट यहाँ से शुरू हो रहा है। अब इसमें आप नीचे देख रहे हैं, ये डेमोग्राफी को आप पॉपुलेशन कर देना, तो Y:5 ये डेमोग्राफी मतलब पॉपुलेशन। अब नीचे आप देख रहे हैं अंडर पॉपुलेशन है, ये ओवर पॉपुलेशन, ये सारे यहीं से आता है। तो हम इसी को हम लेते हैं, तो हम लिख देंगे Y:5। अब आपको साउथ इंडिया चाहिए,
अब ये हम आप मैं आपको भौगोलिक की जो सारणी है वहां से मैं ये लेकर चलता हूँ स्पेस आइसोलेट में। अब इसमें आपके इंडिया के जो कोड है आपको वैसे पता ही है, लेकिन मैं आपको यहाँ से भी बता देता हूँ, ये 44 इंडिया की है। अब आपको चाहिए ये साउथ वगैरह ये चाहिए, तो उसके लिए क्या करना है, ये 19A बाई ओरिएंटेशन जो दिशा वाला है, इसमें हमें अलग अलग दिशाओं का, कभी साउथ का पूछता है, कभी वेस्ट नॉर्थ वेस्ट, इसमें हमें साउथ चाहिए, तो उसमें 9 जिले 1 छोड़ देना, 1 वर्ल्ड के लिए 1 छोड़ देना, बाकी जो बचा हुआ ये लेना है। तो स्थान के लिए आपको पता ही है कि डॉट लगता है और 44, उसके बाद ये साउथ वेस्ट, ये भी स्थान के साथ ही आते हैं, तो 9 और जी कैपिटल, यहाँ से आप देख रहे हैं ये 9G साउथ पूछा, तो ये इसका हो गया। अगला है एग्रीकल्चर इन रिवर बेसिन, एग्रीकल्चर का आपके जी है और ये रिवर बेसिन, रिवर भी एक तरीका स्पेस है, ऐसा स्थान है, तो रिवर बेसिन के लिए आपको एक इसमें लास्ट में आप चले जाइए एक, और कुछ चीजें हैं ये मैं आपको बता रहा हूँ वो बदल दी गई है इसमें लास्ट में, ये जो चीजें हैं ये बदल दी गई है। अब ये पेज नंबर आपके लगभग 26 शुरुआत के जो पेज नंबर है वहां पर आपको ये मिलेगी, आप खोल के बता देता हूँ इसमें सारी, ये 25 है और ये 26 में आप देख रहे हैं, वो जो चीजें हैं शुरुआत वाली थी वो स्पेस आइसोलेट की जो सारणी के सबसे लास्ट में थी। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि पेज नंबर 2.17 रिप्लेस सेक्शन 40 जो मैंने जो बताया था वो वहाँ पर ये नीचे ये चीज़ें दी है उनको आप छोड़ देना है और ये लेनी है चीज़ें। अब इसमें आपको क्या चाहिए, रिवर चाहिए, तो रिवर के लिए P1 है, आपको डॉट लगाना है और P1 ये हो गया। अब इस तरह का जो फ्यूचर ऑफ लाइब्रेरी साइंस, पिछले जो ग्रुप में एक सवाल था फ्यूचर ऑफ इंजीनियरिंग इन इंडिया, इस तरह के था, बस चेंज कुछ नहीं, उसमें इंजीनियरिंग था, इसमें लाइब्रेरी साइंस कुछ भी नहीं है। तो लाइब्रेरी साइंस का आपको पता कोड है 2। अब लाइब्रेरी साइंस इन इंडिया, तो PMEST आता है, तो इसमें M है नहीं, S स्थान आ जाएगा, तो डॉट इंडिया के मैंने पहले देखे 44 है, अब टाइम आ जाएगा तो उल्टा उद्धरण चिन्ह, और ये टाइम वाली जो सारणी है उसमें आप चले जाएंगे टाइम आइसोलेट में, वहां से आप जो 1900 के जो कोड है वो आप यहाँ से 1900 के लिए आप देख रहे हैं N है, 1900 से 1999 तक जन तो N है, तो हम N ले लेंगे। अब ये कितना है 99। अब आपको फ्यूचर चाहिए, तो फ्यूचर के लिए मैंने एक चिन्ह बताया था, जो ये एरो है वो आपको यहाँ पर, मैं आपको जो तीर है वो आपको लगाना है, ये तीर आपको यहाँ पर खींचना है, ये फ्यूचर हो गया आपके। अगर पास्ट का पूछे फ्यूचर या आफ्टर आए तो ये तीर लगाना है, और बिफोर पूछे तो ये उल्टा ये तीर इस तरफ आ जाएगा। अगला है ट्रेवल्स इन ईस्ट मध्य प्रदेश, ट्रेवल्स जो यात्राएं होती है, यात्राओं के लिए आपको पता ये भूगोल में इसका अध्ययन होता है, तो भूगोल में आप इसका जो ज्योग्राफी वाला जो चैप्टर है उसमें आप चले जाएंगे, वहां पे आपको ट्रेवल्स मिल जाएगा। सबसे लास्ट में आप देख रहे हैं ये ट्रेवल्स 8 है, तो U8 लिख देंगे, U8। अब आपको मध्य प्रदेश की कोड चाहिए तो भौगोलिक सारणी में चले जाएंगे, और उसमें अगर आपको सीधा नहीं मिलता, इसके पीछे 2.18 से एक सारणी है, उस सारणी में भी आप चले जाएंगे, तो उसमें आपको मध्य प्रदेश के कोड आराम से मिल जाएंगे। मध्य प्रदेश के 2 है, अभी आप 2 जो कोड होते हैं उसमें आपको पीछे वाला कोड है वो आपको लेना है, तो डॉट 44 55
दोबारा चेक करते हैं, 44-55। ठीक है, अब आपको चाहिए ईस्ट, तो इसमें ईस्ट के लिए जो 9 के बाद जो चीज है वो आपको लेनी है। ईस्ट के लिए 9B है तो .9B कर देंगे, .9B। अगला है इंसेक्टोवायरस प्लांट इन राजस्थान, ये आपके बोटनी में है, बोटनी वाले चैप्टर में जाएंगे, बोटनी के पीछे ये जो कुछ सारणी है उनमें से इसका मिल जाएगा। इसके पीछे सारणी में आपको आराम से जल्दी में मिल जाएगा। ये इंसेक्टिवायरस प्लांट्स है तो I-95-97 हो गया, I-95-97 ये हो गया। अब इस ऑफ राजस्थान है तो राजस्थान की स्थान की डॉट लगता है और राजस्थान के कोड 44-37 है, और फिर भी मैं आपको इसकी जो सारणी है उसमें से जाकर भी बता देता हूँ। ये राजस्थान के कोड देख रहे 44-37, तो .44-37। अब ये आ गया ना आपके हिस्ट्री ऑफ इंडिया पीरियड कवर्ड अप टू 1939, यानी 1939 तक भारत का इतिहास। तो इतिहास के लिए भी है और इंडिया की 44 हो गया। अब आपको ये टाइम चाहिए तो टाइम के लिए उल्टा उदन चिन्ह लगता है और 1900 के लिए 1939 हिस्ट्री ऑफ इंडिया अप टू 1939। अगले सवाल है अब ये, अब ये इकोनॉमिक जियोलॉजी है जो आर्थिक भूविज्ञान है उसका है, उसकी बिब्लियोग्राफी। तो उसके लिए सबसे पहले इकोनॉमिक जो जियोलॉजी है, जियोलॉजी का आप जो मूल कोड है वो आपको पता ही है एच है, तो मैं आपको इसकी सारणी में जाकर भी बता देता हूँ। अब आपको पता नहीं है सारणी में भी जाकर इसका जो कोड है वो चेक कर सकते हैं। ये जियोलॉजी का एच है, तो एच के चैप्टर में आप जाइए, वहाँ से आपको आर्थिक जो जियोलॉजी है या आर्थिक भूविज्ञान का आपको वहां से मिल जाएगा। ये अब आपको चाहिए इकोनॉमिक जियोलॉजी का H7 है, यहां भी देख रहे हैं H7 है, H7। अब आपको क्या करना है, बिब्लियोग्राफी को जोड़ना। बिब्लियोग्राफी का वैसे आपको पता ही है, ये है स्मॉल है, फिर भी आप जो इसका जो मूल चैप्टर है जो मेन क्लास का उसमें आप जाके देख सकते हैं, और एक जो कॉमन आइसोलेट है उसमें भी आप ये देख रहे हैं, ये स्मॉल ए है तो आप स्मॉल ए लिख देंगे बिना किसी योजक चिन्ह के। ये डिक्शनरी वाले सवाल मैंने काफी जो बूस्टर सीरीज कराई थी पिछले साल उसमें खूब कराए हैं, तो उसमें डिक्शनरी के लिए सबसे पहले आप पी लगाएंगे ये फर्स्ट भाषा के कोड, फिर कोलन 4 स्मॉल के, फिर सेकंड भाषा के कोड, तो ये गुजराती और बंगाली के कोड आप यहाँ से ले लेंगे जो इसकी लैंग्वेज आइसोलेट है, जो भाषाओं की सारणी है वहां से आप ये ले लेंगे। गुजराती और बंगाली के कोड चाहिए तो थोड़ा नीचे आएंगे इसमें, ये गुजराती के 56 है, 156, और बंगाली के 157 है तो हो जाएगा। तो गुजराती के 156, फिर आप कोलन लगाएंगे 4 स्मॉल के, फिर स्पेस लेके 157, ये हो गया इसका आंसर। अगला है कलेक्टेड वर्क्स ऑफ SR रंगनाथन, तो ये कलेक्टेड वर्क्स है इस तरह का या आता है या बायोग्राफी इस तरह, तो उस व्यक्ति की जिस क्षेत्र में उसने काम किया तो उसका कोड आएगा। ये जो रंगनाथन ने लाइब्रेरी साइंस में काम किया तो लाइब्रेरी साइंस का कोड आएगा। अब कलेक्टेड वर्क्स के लिए आप
पेज नंबर 2.5 पे आप चले जाइए, उसमें आपको कलेक्टेड वर्क्स का आपको मिलेगा, ये कलेक्शन वर्क्स वगैरह, ये इसके लिए एक्स है, फिर में जनरल के लिए इंडिविजुअल की सारा दे रखा है, तो हम एक्स लेंगे, तो इसके बाद सीधा एक्स स्मॉल एक्स आ जाएगा। अब उसके बाद हमें क्या करना है कि इसका जन्म वर्ष दिया हुआ है, वो जन्म वर्ष कितना है 1892, तो ये 1892 लिखना है, तो ये आपको सारणी में आप इसकी चले जाइए, ये 1800 के लिए कितना है एम है, तो एम 92 कर देंगे हम, एम 92, ये इसका आंसर हो गया। अगला है क्वार्टरली स्टैटिस्टिक्स ऑन लाइफ इंश्योरेंस। लाइफ इंश्योरेंस के लिए आपको पता नहीं कि लाइफ इंश्योरेंस कहाँ आएगा, तो आप सीधे पीछे डिक्शनरी में चले जाइए, तो वहां डिक्शनरी में अल्फाबेटिकली लाइफ इंश्योरेंस दे देंगे आप, ये लाइफ इंश्योरेंस का है, लाइफ जो जीव विज्ञान में वन है, और लाइफ और इंश्योरेंस एक्स पी के रूप में एक्स इन 813 हो गए, सीधा आप यहाँ फिर लिख दो एक्स 813। अब आपको क्या करना है, स्टैटिस्टिक्स ढूंढना है, ये क्वार्टरली वगैरह ये तो इसमें कुछ नहीं है, स्टैटिस्टिक्स का ढूंढना, तो ऑटोमेटिक उसका आ जाएगा, तो ये जो आपको कॉमन आइसोलेट है वहां पे आपको मिलेगा, ये इसमें स्टैटिक्स का आप देख रहे हैं एस है, तो ये एस आप हम जोड़ देंगे, सीधा एस लिखना है और कुछ नहीं लिखना। अगला है रिसर्च ऑन वीट फार्मिंग, यानी गेहूं की खेती के लिए, तो जो एग्रीकल्चर है, तो एग्रीकल्चर का आप वैसे आप वर्गीकरण कर रहे हैं तो आपको वैसे पता ही है, लेकिन आप जो इसका मेन क्लास है 2.5 से आप पहले से पता कर लें कि एग्रीकल्चर का मूल कोड क्या है। मूल कोड आप देखेंगे जी है, तो आप इसमें जी लिख देंगे। अब आपको वीट चाहिए तो इसी के मूल चैप्टर में आपको जाना होगा, एग्रीकल्चर के जो मूल चैप्टर है वहाँ पर वहाँ आप जाएंगे, तो वहाँ से आपको इसका मिल जाएगा, और वहाँ से आपको जल्दी नहीं मिलता है तो फिर आपको इसके पीछे डिक्शनरी है वहाँ पर जाना पड़ेगा, लेकिन इसमें आपको मिल जाएगा, ये पड़ा है 382। अब आपको रिसर्च चाहिए तो रिसर्च के लिए जो कॉमन आइसोलेट है वहाँ पर आप चले जाएंगे, तो रिसर्च का आपको वहाँ पर मिल जाएगा। इसमें थोड़ा नीचे आएंगे, ये इन्वेस्टिगेशन और रिसर्च एक ही चीज होती है, तो आप इसको इन्वेस्टिगेशन ये है, तो ये आपकी एनर्जी पार्ट से आएगा, यानी कि इसमें एनर्जी ये चीज आप लेंगे तो ये कॉलन जरूर लगेगा, तो कॉलन लगा के आप एफ लिख सकते हैं, एफ छोटा है। अगला है लिटरेरी क्रिटिसाइजम, तो क्रिटिसाइजम ये लिटरेरी है, जो लिटरेचर के लिए है, एक चीज में आपकी दी हुई है, थोड़ा इसी में थोड़ा पीछे जाता हूँ, दो पॉइंट ये चार पे नीचे है आपके क्रिटिसाइजम, ये कॉलन जी है, और लिटरेचर के लिए आपके पी है, तो आप पी कॉलन जी। अगला है स्टैटिस्टिक्स ऑन सोशल क्राइम इन राजस्थान 1986। सोशल क्राइम ये सोशियोलॉजी में मिलेगा, सोशियोलॉजी का कोड आप ये देख लो वाई है, वाई से आगे आप इसके चैप्टर में चले जाइए सोशियोलॉजी के,
और यहां से आपको क्राइम ढूंढना है। ये क्राइम एनर्जी पार्ट में 45 है, तो वाई कोलन 45 हो जाएगा, वाई कोलन 45। अब इन राजस्थान है, राजस्थान के लिए डॉट लगेगा, 44-37 हम कर ही चुके हैं, और फिर 1900 के लिए एन और 46 है। अब स्टेटिक्स की कोड चाहिए, तो आपको वो जो सारणी में हमने देखे थे स्टेटिक्स, ये आफ्टर स्पेस ही आएगा, तो ये एक और भी स्टेटिक्स, ये दो है, ये टाइम के बाद भी एस लगेगा और यहाँ और स्पेस के बाद दोनों में एस है, तो हम छोटा सा एस आराम से लगा देंगे। तो इस तरीके से ये जो कोलन क्लासिफिकेशन वाला पार्ट पोर्शन है ये हमने कर दिया है। अगला जो पोर्शन है वो ये DDC का दूसरी वीडियो में कराऊंगा, तो ये आपकी तैयारी के लिए हेल्पफुल रहेगा। ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन दबा के नोटिफिकेशन ऑल पर क्लिक कर दीजिए, जैसे मैं इस तरह का महत्वपूर्ण वीडियो बनाऊंगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।